टाटा मोटर्स प्रेजेंट टाइम में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में थर्ड बिगेस्ट ऑटोमेकर कंपनी है। वहीं इंडियन कार मेकर कंपनी टाटा मोटर्स की सेल्स भी हर बार इंक्रीज हो रही है। वहीं टाटा मोटर्स इंडियन मार्केट के लिए अपनी कुछ न्यू कार्स को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। आज की इस वीडियो में हमने टाटा मोटर्स की इंडियन मार्केट के लिए अपकमिंग कार्स को कवर किया है। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। टाटा HBX। टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो 2020 में अपनी माइक्रो SUV हॉर्नबिल के नियर प्रोडक्शन वर्जन को शोकेस किया था। शोकेस किया गया मॉडल 90% प्रोडक्शन रेडी मॉडल था। HBX के प्रोडक्शन रेडी मॉडल को मल्टीपल टाइम इंडियन रोड पर टेस्टिंग करते हुए स्पॉट किया जा चुका है। टाटा HBX में फ्लोटिंग टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी एंड मेनी मोर माइक्रो SUV वाले फीचर्स ऑफर किए जाएंगे। इंडियन मार्केट में इसके एक्सशोरूम प्राइस 5 लाख-7 लाख रुपीज होने की उम्मीद है। वहीं इस माइक्रो SUV को जून 2021 से पहले लॉन्च किए जाने के चांसेस हैं। टाटा अल्ट्रोज EV एंड CNG। टाटा मोटर्स ने अपने प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज के इलेक्ट्रिक मॉडल को लास्ट ईयर हुए ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था। टाटा मोटर्स के हिसाब से सिंगल चार्ज में ये हैचबैक 300 किमी तक ड्राइव हो सकती है। इंडियन रोड पर इसके CNG वेरिएंट की भी टेस्टिंग करते हुए फोटो सामने आई है। अल्ट्रोज EV एंड CNG के डिजाइन एंड फीचर्स प्रेजेंट टाइम वाली पेट्रोल एंड डीजल में आने वाली अल्ट्रोज वाले ही ऑफर किए जाएंगे। न्यू जेन टाटा हेक्सा। टाटा मोटर्स ने थोड़े टाइम पहले अपनी बेस्ट SUV हेक्सा को डिसकंटिन्यू कर दिया था। टाटा हेक्सा के अपकमिंग मॉडल को ऑटो एक्सपो 2020 में सफारी एडिशन में शोकेस किया गया था। टाटा हेक्सा सफारी एडिशन में 2.2 लीटर डीजल इंजन ऑफर किया जाएगा। वहीं डिजाइन एंड फीचर्स में कुछ माइनर चेंजेस ही ऑफर किए जाएंगे। टाटा हैरियर पेट्रोल। टाटा हैरियर प्रेजेंट टाइम में इंडियन मार्केट में सिर्फ 2 लीटर 4 सिलेंडर क्रायोटेक डीजल इंजन में अवेलेबल है। ये इंजन 170 PS की पावर एंड 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं टाटा हैरियर को 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ भी लॉन्च किया जाना है। ये इंजन 150 PS की पावर एंड 250 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसमें 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन ऑफर किया जाएगा। टाटा की इन अपकमिंग कार्स की प्राइस एंड लॉन्च कन्फर्म होते ही आपको न्यूज अपडेट कर दी जाएगी। तो गाइज, टाटा की अपकमिंग कार्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। एंड अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड और भी ऐसी लेटेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।